हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर व्यास, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी हेल्थ एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम खान पान की स्थिति में सुधार करके अपने बवासीर को खत्म कर सकते हैं या फिर उसकी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी हैं बवासीर से परेशान तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम बताएंगे कि खान पान की स्थिति में कैसे सुधार करके अपने बवासीर की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं या फिर उसकी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, बवासीर दो तरह के होते हैं, एक बाहरी बवासीर, एक आंतरिक बवासीर। ठीक है, जो आंतरिक बवासीर होता है उसमें बल के द्वारा, बल के साथ ब्लीडिंग होता है, यानी कि खून आता है और काफी तेज दर्द भी होता है। और जो बाहरी बवासीर होते हैं वो दोस्तों उसके गुदा द्वार के आसपास के रक्त वाहिका में स्वेलिंग आता है, जिसकी वजह से वहां पे दर्द, खुजली और सूजन टाइप लगता है। ठीक है, तो उसे बाहरी बवासीर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज है भगंदर या फिर बवासीर या फिस्टल, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले इस तरह के हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ताकि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको बवासीर महसूस हो रहा है कि आपको हो गया है या फिर आपको पता चल गया कि आपको है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, यानी कि दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी आपको पी लेना है। ठीक है, इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से वो हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, जिससे पेट में कब्ज नहीं बनता है, जिससे बल टाइट नहीं होता है, इस कारण से बवासीर की स्थिति में सुधार होता है, दर्द कम होता है, स्वेलिंग कम होता है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, हम अनाज में क्या क्या खा सकते हैं। दोस्तों, हम ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं का रोटी खा सकते हैं, जौ खा सकते हैं, अरहर दाल, मूंग दाल। सब्जी में दोस्तों आदू, करेला, परवल, सेब, टिड्डा, मूली के पत्ते, बथुआ का साग या फिर मेथी का सेवन, मेथी के साग का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फल में सेब, अमरूद, अंगूर, पपीता और जामुन का भी सेवन कर सकते हैं। अदरवाइज आप नींबू, खीरा, गाजर और सलाद का भी सेवन कर सकते हैं। तो हमें सेब, पालक का जूस भी पीना चाहिए, जो हमारे पेट के लिए फायदेमंद होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, जिसकी वजह से बवासीर की स्थिति में सुधार आती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बता दें आपको दोस्तों कि हमें तेल और मसाला से बने हुए चीजें, यानी कि तैली और मसालेदार चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे पेट में कब्ज बनाते हैं और कब्ज बवासीर की स्थिति को और बिगाड़ देता है। ठीक है, इसके अलावा हमें सफेद ब्रेड का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, हमें तंबाकू, सिगरेट और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है और कब्ज की स्थिति बनी रहती है और ये बवासीर की स्थिति को और बिगाड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हमें चाय और कॉफी नहीं पीना चाहिए। अगर हमको बवासीर है तो हमें चाय और कॉफी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो हमारे शरीर में कब्ज की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से हमें बवासीर की स्थिति में सुधार नजर नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी बहुत दिल से परेशान है और ये सब चीजों करने से आपका नहीं ठीक हो रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ठीक है, आज के लिए वीडियो, आज का वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद।